हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पहाड़ी प्रीतम। स्वागत है आपका। और एक बार फिर से मैं डोगरा चाटी के पुल पे बस, बट इस बार मैं नाइट टाइम में हूँ, तो मैं दिखाऊंगी आपको नाइट टाइम व्यू। डोगरा चाटी का कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आवाजाही शुरू हो चुकी है, गाड़ियाँ चलना, मतलब प्रॉपर सिक्वेंस में इस पुल का काम पूरा हो चुका है। और तो मैं दिखाती हूँ आपको डोगरा चाटी का पुल। देखिए मेरे पीछे, ये देखिए लाइटिंग कितनी प्यारी लग रही है इसकी। और आप, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ जब नाइट व्यू में, तो वैसे तो मैं दो बार के आ चुकी हूँ, तो इसकी लाइट ऐसे ही चेंज होती रहती है। तो चलिए मेरे साथ, आज मैं आपको दिखाऊंगी डोगरा चाटी का पुल। तो आज यहाँ पे आ रखे हैं बहुत सारे, आ रखे हैं मतलब मेरी दीदी जीजा जी आ रखे हैं, एक कानपुर से आ रखी है, एक देहरादून से आ रखी है, और बाकी हम सब है लोकल गांव के कुछ लोग। तो चलिए मेरे साथ डोगरा चाटी के पुल पे। और अभी देखिए स्काई ब्लू लाइट चेंज कर दिया, इसके बाद कौन सा आता है देखते हैं। और यहाँ पे एक और आ चुके हैं तो नाइट व्यू बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है और देखने लायक है। और साथ में बहुत, पता नहीं दूर दूर से और पास पास से सैलानी भी आ रहे हैं यहाँ इस पुल को देखने। इस पुल की रौनक और प्यारी लग रही है लाइटिंग से। तो गाड़ियाँ भी चल रही हैं, हम पहले यहाँ पे गाड़ी पे आए, अब हम पार्किंग में लगा दी गाड़ी। तो चलिए मेरे साथ, तो मेरे साथ है मेरे ससुर जी, हेलो बोलो। हेलो हेलो। और मेरे स्वामी जी हमारे साथ आ रहे हैं, जो ये वाला ग्रुप हमारे साथ का है। ये अभी फोटो शूट कर रहे हैं। अब इसमें पिंक लाइट आ चुकी है जैसे कि आप देख रहे होंगे, अब रेड आ चुकी है, तो लाइट अब येलो आ चुकी है, तो लाइटिंग चेंज होती रह रही है। सो ये अभी मैं गाड़ी में बैठी हूँ, तो ये वीडियो बना रही, धीरे धीरे चलो। तो इसकी व्यू, नाइट टाइम का व्यू देखिए, आगे से बहुत ज़्यादा लोग आ रखे हैं, फोटो शूट कर रहे हैं आगे। यहाँ पे गाड़ी गुड़ी भी आ रही है, देखिए जैसे गाड़ी आ रही है फिर लोगों का जो पोज बना रहे हैं उनका डिस्टर्ब हो जा रहा है गाड़ी के आने से। तो अब यहाँ पे ब्लू लाइट चल चुकी है, अभी तक चेंज होने में लगी है लाइट। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है और दूर दूर है, तो एक बार ज़रूर आइएगा टीवी उत्तराखंड में और इस ब्रिज को देखने। वर्ल्ड का आई थिंक वर्ल्ड का नंबर वन ब्रिज, सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज डोगरा चाटी। इसकी वीडियो वैसे मैंने दो बार आपको दिखा चुकी हूँ, बट ये नाइट व्यू है, नाइट टाइम का व्यू। तो अब येलो लाइट आ चुकी है, रेड लाइट आ चुकी है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, वाओ। आ चुके हैं ब्रिज से पूरा, पैदल वापस जाऊंगी अभी, फिर से मैं एक चक्कर पैदल चलूंगी। अभी पार्किंग करने जा रहे हैं गाड़ी, एक्चुअली हम जाने पार्क कर रही थी, वहाँ पे पार्किंग नहीं थी ना, तो मतलब पार्किंग कर ली है। और अब फिर हम बैक जा रहे हैं तो पुल को देखने, अभी तो क्योंकि अभी उतरे हैं जैसे गाड़ी से, तो अब फिर से हम जा रहे हैं। और ठंडा, रियल में बहुत ठंडा हो रहा है। अब तो बहुत मेरे साथ है दिव्यांश, मेरी बड़ी दी का लड़का। ये है डोगरा चाटी पुल, और इस साइड ये सब लाइटिंग बैरियर वगैरह है। और अब येलो हो चुकी है इसकी लाइट। यहाँ पे शिवालय है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, एक मंदिर है यहाँ पे, तो हम पास चलते हैं। अब ऑरेंज लाइट हो चुकी है और इसके बाद रेड आ रही है, आगे से लोग आ रहे हैं। दिव्यांश इसमें चढ़ के चल, क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ भी आती है, तो हम सेफली इसमें चढ़ के चल रहे हैं। अब ग्रीन हो चुकी है लाइट और हो रहा है बहुत ज़्यादा ठंडा, इतने मतलब अच्छा पुल है, ठंड भी। सो यहाँ पे मैं दिव्यांश से पूछूंगी, दिव्यांश कैसा लगा आपको पुल? बहुत अच्छा पुल है, बहुत अच्छा पुल है। और कुछ बताओ, फर्स्ट टाइम देखा है? यस, ये फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम देख रहा है, मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ रियल में। तो यहाँ पे मुझे हैप्पी बर्थडे की आवाज़ भी आ रही है, तो लोग यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन करने भी यहाँ पे आ रहे हैं इस पुल के ऊपर। तो बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा लग रहा है कि हमारे इंडिया में इतनी प्रगति हो रही है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पुल को देखने। तो अभी यहाँ पर रेड हो चुकी है,
और वहाँ पे जहाँ पे हल्ला आ रहा है वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं किसी का, जो भी लोग आए होंगे। तो ये थीम भी अच्छा है कि स्कूल के ऊपर बर्थडे केक कटिंग, तो बहुत अच्छा थीम है। मेरे साथ वाले आगे हैं और हम उनके पास जा रहे हैं और थोड़ी फ़ोटो शूट करेंगे, थोड़ा आपसे बात करेंगे। और रखे डांस करने के लिए, डांस कर रहे हैं स्पीकर ला के, तो फुल ऑन मस्ती चल रही है स्कूल के ऊपर। कोई बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहा है, कोई ये देखिए, जूम करके दिखाते हैं आपको। बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के उड़ के उड़नी वादियां घी। सो फाइनली हम अब घर जा रहे हैं, फोटो शूट भी हो चुका है, बीच भी देख लिया है और अब हमें घर जाने की तैयारी कर रहे हैं हम। और सब ने बहुत अच्छे से इंजॉय करा इस ब्रिज को। और मैं आपको और अभी मैं अपने जीजा जी से पूछूंगी आपको कैसा लगा, ये कानपुर से आए हैं। तो जीजा, हेलो। तो जीजा जी, आपको कैसा लगा ब्रिज? बहुत बढ़िया लगा, बहुत फर्स्ट क्लास, मस्त लगा। फर्स्ट टाइम देखा लाइफ में? लास्ट में तो फर्स्ट टाइम देखा। हाँ, ऐसा मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा, काफी जगह घूमा पर मेरे को ऐसा ब्रिज ऐसे इस ब्रिज को देख के ऐसा नहीं लगा कि आउट ऑफ कंट्री का कोई ब्रिज होगा ना, क्योंकि वर्ल्ड का फर्स्ट नंबर का ब्रिज है, सबसे लंबा ब्रिज। तो अच्छा लगा हमें अपने उत्तराखंड में हमारा ये ब्रिज बनाया है, बहुत अच्छा। थैंक यू सबको जिन्होंने इस ब्रिज बनाने में योगदान दिया है और रियली बहुत अच्छा है। टूरिस्ट आ रहे हैं दूर दूर से पर अभी और आएंगे क्योंकि अभी ये अभी ओपन हुआ है, अभी उसकी ओपनिंग हुई है, तो बहुत मस्त है रियल। और लोग रियल में बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस ब्रिज को, कोई केक कटिंग कर रहा है, कोई यहाँ पे मतलब स्पीकर लगा के डांस कर रहा है। और आवाजाही के लिए भी बहुत आसान हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि बहुत लंबा रूट होता था, 100 किलोमीटर पीछे से घूम के जाना पड़ता था आई थिंक। तो इस पुल से बहुत हेल्प मिली है, तो पुल का पुल और कुछ यूनिक सा है इंडिया में, अच्छा लगा। तो अब हम जा रहे हैं और आपको मैं ब्रिज कंटिन्यू दिखा रही हूँ बैक पीछे से, तो इसकी लाइटिंग भी चेंज होने में लगी हुई, अभी पिंक थी अब रेड हो गई है। और 8:30 बजे इसकी लाइटिंग ऑफ हो जाती है और 7 बजे से ऑन हो जाती है आई थिंक। तो हेलो, ये मेरे जीजा जी है देहरादून वाले, देवानंद। नमस्कार, नमस्कार सबको। एक बार देवानंद की एक्टिंग कर लो, चलो आते हैं। देवानंद की एक्टिंग तो मैं कर नहीं सकता, बस इसके साथ घूम रहा हूँ, टाइम व्यतीत कर रहा हूँ और क्या, मजे ले रहे हैं एफिल टावर के, मजे ले रहे हैं इस टावर का। मैं बहुत अच्छा लगा, कैसा लगा आपको? बहुत आनंद आया फोटो शूट में बाबू मुसाई इधर ही रहने का, मस्त रहने का, मस्ती में रहने का। बाय बाय। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ 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 फ्रेंड्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। और जहाँ भी मैं ट्रैवल और जितना भी पॉसिबल होगा अच्छी अच्छी वीडियो आपको देने की कोशिश करूँगी। तो बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय फ्रेंड्स।